हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई पोस्ट की हुई है, तो उस टाइम जब हम कमेंट करते हैं तो सिर्फ हम जो है नाइस पिक लिख कर ही कमेंट कर देते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाइस पिक की जगह पे आप जो है कुछ अदर जो इंग्लिश के वर्ड है वो बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे जो वर्ड हैं एक एक करके मैं बताऊँगा, और अगर कोई आपको सॉरी बोलता है तो दैट टाइम आपको सॉरी के बदले क्या कहना चाहिए तो वो भी बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जो जैसे हम जो है नाइस पिक बोलते हैं, तो उसकी जगह पे हम दूसरे जो इंग्लिश के वर्ड है उनका यूज कैसे कर सकते हैं वो वर्ड बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे आप अगर किसी ने पोस्ट की हुई है इंस्टाग्राम पे, तो उस टाइम जो आप उनकी पिक्चर पे जो है डिवाइन पिक्चर भी बोल सकते हैं। डिवाइन पिक्चर मीन्स होता है बेहद सुंदर। और सेकेंड वर्ड है हमारा स्प्लेंडेड पिक। स्प्लेंडेड पिक का मतलब होता है शानदार तस्वीर। फिर है हमारा नेक्स्ट इलिगेंट पिक। इलिगेंट पिक का मतलब होता है ज़बरदस्त फोटो। फिर नेक्स्ट है हमारा लवली पिक्चर। लवली पिक्चर का मतलब होता है प्यारी फोटो। और उसके बाद है नेक्स्ट ए मिलियन डॉलर पिक्चर, तो इसका मतलब होता है लाखों में एक तस्वीर है। तो दोस्तों, नाइस पिक पहले आप बोला करते थे, अब आप इन इंग्लिश वर्ड का यूज़ कीजिएगा। जब भी कोई आपका दोस्त जो है कोई भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट करता है, तो उस टाइम आप इन वर्ड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका जो कोई फ्रेंड है वो आपको सॉरी बोल रहा है, तो दैट टाइम आपको क्या रिस्पॉन्स करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सपोज़ कि आपने आपके किसी दोस्त ने आपको सॉरी बोला, उन्होंने जो है कोई मिस्टेक की हुई थी, तो आप जो पहला जो हम जो सेंटेंस यूज करते हैं नॉर्मली, सभी लोग इसी को यूज करते हैं, इट्स ओके। तो इसका मतलब होता है ठीक है। ठीक है, आप इट्स ओके की जगह पे आप बोल सकते हैं नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं। और अगर आप नेवर माइंड भी नहीं बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट दैट, तो इसका मतलब होता है इसकी चिंता मत करो। और उसके बाद अगर आप ये भी नहीं बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम मीन्स होता है कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट है इसी में कि अगर आप नो प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं नेवर माइंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब होता है कोई बात नहीं मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ। फिर है इसी में नेक्स्ट कि इट्स ओके बट प्लीज़ डू नॉट मेक दैट हैपन अगेन, तो दोस्तों इसका मतलब होता है ठीक है लेकिन कृपया ऐसा दोबारा ना करें। तो अगर आपका जो दोस्त है वो आपको सॉरी बोल रहा है, तो उस टाइम आप जो हैं इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं इट्स ओके या नेवर माइंड, दो ही जो इंग्लिश वर्ड है उनका यूज़ करते हैं। बट अभी आप जो हैं जो आपको मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे बताए, आप इनका यूज कर सकते हैं जब भी आपको कोई सॉरी बोलता है। और जब भी कोई भी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करता है तो नाइस पिक की जगह पे जो मैंने पहले आपको बताया था, आप वो चीज़ें जो है कमेंट करके जो है उनकी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और आपको जो है ऐसी ही जो है एक वीडियो हर रोज़ हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी इंग्लिश से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके नहीं रखा है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर वीडियो लाइक नहीं की हुई है तो लाइक करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।